नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंटर में। और आज हम आपके लिए कुछ नया और अनोखा लेके आए हैं। आज हम आपको अपने नए गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनका नाम है हार्दिक पटेल। तो आपको बता दूं कि हार्दिक पटेल वो शख्सियत है जिन्होंने हमारे चैनल में एडिटिंग को इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो हार्दिक पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों का एकदम मैं फॉर्मल बात कर रहे हैं कैमरे में, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी हम दोनों थोड़े से नॉर्मल वे में आ जाएंगे। कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन? बस बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। हम तो ठीक ही है, बस सीरीज देख देख के आंखें लाल हो गई है। यहाँ पर हम लोग तो खा रहे, पी रहे, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, तो आज है ना अपने एक टेक क्विज टाइप का कुछ खेलने वाले हैं। अच्छा, टेक क्विज। हाँ, क्या करना पड़ेगा उसमें? जिसमें मैं आपको कुछ टेक प्रोडक्ट्स, टेक जो गैजेट रहते हैं ना, हाँ हाँ, उनके कुछ आपको फोटो दिखाऊंगा। ओके। और आपको उसका नाम और उसका ईयर बताना है। अच्छा ठीक है, नाम के लिए एक पॉइंट और ईयर के लिए एक पॉइंट। अच्छा, आप ईयर की रेंज डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन थ्री ईयर्स रहने चाहिए। जैसे कि अगर आप 2010 बोलेंगे तो 2010, 11, 12 ऐसा बोल सकते हैं आप, मतलब 10 से लेके 12 तक। अच्छा, मतलब तीन ईयर्स तक मैं गैसिंग कर सकता हूँ। हाँ, और तीन ईयर्स कंटिन्यूअस रहने चाहिए। ओके, और फोन के लिए एग्जैक्ट मॉडल बताना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट मॉडल बताना पड़ेगा। और कोई कोई फोन ऐसा है जिसका मॉडल बहुत हार्ड है, तो मैं आपको खाली फोन का कंपनी बताने बोलूंगा। ओके ओके, रेडी? रेडी रेडी। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके, ये मैंने अपना जो चैनल है ना उसमें भेज दिया है। ओके, दिखा आपको? हाँ, ये आ गया। हाँ, तो गैस करिए कि ये फोन कौन सा है। ये है ये एक मिनट। हाँ, ये नोट 7 है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। यही फोन ये बैन हो गया था उसके, हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट के कारण ये नोट 7। तो चलो, आप एक पॉइंट आपको मिला, लेकिन अब आपको इसका ईयर बताना है कि ये नोट 7 जो फोन है इसका ईयर कौन सा है। ईयर अराउंड ये 2010 में था, ये 10 में आया था। अभी 2020 चल रहा है, 10 साल पहले थोड़ी आया था। नहीं, मतलब मैं गेसिंग कर रहा हूँ ऐसे ही। 2020 चल रहा है, 5 साल अराउंड 5 साल हो गए हैं। तो 2016। अबे गूगल में तो सर्च नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, गूगल में नहीं सर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट मिलते हैं आपको भैया। ये एक्चुअली बड़े भैया, मेरे को इसलिए याद था क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा फोन लगा था, इसको मैं लेने में अच्छा। लेने भी वाला था। अरे बट वही क्या हो गया। हाँ, फिर लाभ अगर ले लेते तो दिवाली में बॉम्ब लेने की जरूरत नहीं पड़ती आप। दिवाली के अराउंड ही आया था ना, सितंबर। ये अगस्त, इतना अगस्त के बाद आया था ना, फिर वो आते आते इसको यहाँ पर टाइम लग गया था। और एल एन टी क्या बोल रहा हूँ मैं, AT&T एंड कौन सा तो वो था, उसका ब्रांड था, आया था वो। चलो, तो अभी नेक्स्ट मैं आपको भेज रहा हूँ फिर से। जो सेकंड है वो फोटो ये रही स्क्रीन पे, आपको बताना है ये कौन सा है, मॉडल नंबर बताना है और ईयर बताना है। ये है iPhone 7 Plus। चलिए यही है, बताइए ईयर। प्लस और इसका ईयर 7 Plus 8 आया, 8 आया कुछ अराउंड आई थिंक 2014 के आसपास। आपका 14 टू 15 इन दोनों के बीच में होगा। 14-15 के बीच में? नहीं 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 नहीं, 2016 में तो ये आया है। हाँ, 2016 में नोट 7 आया है, तो उसके बाद ही आया है ये
नया जल्दी कीजिए, बहुत टाइम ले रहे हैं आप। 2018 टू 2019 के बीच में। अच्छा, मतलब आप 2017, 18, 19 लेना चाहेंगे कि 18, 19, 20 लेना चाहेंगे? अच्छा, आई थिंक 18, 17, 18, 19। चलो आपको एक पॉइंट मिलता है क्योंकि आपका ईयर जो है वो 2017 है, लेकिन जो फोन का नाम है वो है आईफोन 8 प्लस। iPhone 8 Plus है। ओके अरे दोनों फोन काफी सेम, दोनों फोन काफी सेम दिखते ब्लैक हैं। मॉडल कौन सा निकाले थे इन लोग? भगवान जाने भैया, मैं आपको फोटो तो दिखा दिया हूं। अच्छा 8 Plus है। 7 Plus का तो हाँ, ये कैमरा में थोड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा है। 8 Plus हाँ था क्या? चलो, ब्लैक आप ब्लैक आया थोड़ा तो ना दिमाग में वही आया, मुश्किल 7 Plus ही आया डायरेक्ट। थोड़ा मुश्किल करते आप, हाँ ठीक है। है ना? तो आपको कुछ मैं यूनिक भेजता हूं अभी। ओके आपको इस फोन का जो है खाली नाम बता देना कौन सी कंपनी बनाई है, मॉडल नंबर तो इसमें मैं लिखा ही हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है मॉडल नंबर बताने की, अच्छा। खाली नाम बता दिए। कैसा आपको फोन कैसा लगा ये बताइए, डिजाइन? डिजाइन तो एकदम पिंकी पिंकी है। ऐसा लग रहा है खाली लड़कियों के लिए बनाया गया था लग फोन। रहा है बट ये ना ये मेरे को क्वालिटी पैड पहले से ही अच्छा लगता था। क्वालिटी ये कलर पैड मेरा फेवरेट था, पिंक कलर में। पिंक कलर में नहीं। पिंक कलर में नहीं, चलिए नाम बताइए फोन का। इतना क्या सोच रहे ये हो? मेरे को मोटोरोला का लग रहा है क्योंकि मोटोरोला की ऐसी डिजाइन थी जब इन लोग निकालते थे ना। मोटोरोला में क्वालिटी पैड ज्यादातर क्वालिटी पैड वही निकालती है मोटोरोला फोन। अच्छा तो ये मोटो का ही लग रहा है मेरे को, मोटो का ही होगा, मोटोरोला ही होगा। मैं आपको बता दूं, ये है माइक्रोमैक्स का मैक्स फोन। का से ये कब से निकालने लगी? ऑलरेडी पिंक वाला। माइक्रोमैक्स ने बीच में ऐसा फोन निकाला था, और इसका ईयर आप गैस करना चाहोगे? ईयर ईयर है, ईयर होगा 2013 टू 13 14 15 उसके बीच में 13 टू 15। आपको मैं एक बात बता दूं कि इसका ईयर मेरे को पूरे गूगल में कहीं नहीं अरे बाप मिला। रे, मैंने पूरे गूगल ये फोन लॉन्च भी तो कहाँ हुआ था, ऐसा लग रहा नहीं, लॉन्च हुआ था, अभी भी अवेलेबल है, आप 2020 में भी खरीद सकते हो 6,000 रुपये में। है। अच्छा लेकिन क्या इसका ईयर नहीं मिला? तो आपको ईयर के लिए पॉइंट मिलेगा लेकिन फोन के नाम के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कैसा लग रहा है आपको ये गेम? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा बहुत मजा आ रहा है क्या, एकदम सस्पेंस आते जा रहे हैं एक से एक, क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर फोन देखे भी नहीं थे वो भी देखने को मिल रहे हैं अब तो। ओके है ना? सही बात है। अब मैं आपको एक कुछ है ना और भेजता हूं, एक मिनट। क्या है, थोड़ा सा कैमरा सेटअप कर देता हूं मैं। हाँ ये मैं भेज दिया आपको, आपको बताना है कि ये जो बैंड आपके सामने है इसका नाम क्या है और इसका ईयर क्या है। अरे तो बैंड का तो दिख, मेरा बैंड बजा देंगे इन लोग। कैसा दिख रहा है आपको, कैसा अच्छा लग रहा है देखने में कि कैसा लग रहा है? ये मेरे को तो बैंड इसका अच्छा ही लग रहा है क्योंकि व्हाइट कलर का जो वो है ना स्ट्रिप, वो कोई भी बैंड में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी इतना अट्रैक्टिव बैंड बना सकती है? अट्रैक्टिव बैंड तो सबसे अच्छा तो फिटबिट का ही है मेरे को लगता है, फिटबिट आपको क्या लगता है ये किसका होगा? तो क्योंकि MI बैंड जितने भी आते हैं वो ब्लैक कलर में आते हैं नॉर्मली, और ऐसे डिस्प्ले तो नहीं रहता उसका, हाँ सही बात। बैंड का नहीं रहता ये मेरे को। एप्पल तो नॉर्मल वो वॉचेज ही बनाती है, बैंड का तो उसका पता ही नहीं है, अता पता नहीं है उसका। एप्पल का तो हो ही नहीं सकता ये किसी भी हालत में। सैमसंग बनाती है बट ऐसा टाइप का नहीं बनाई है, मतलब
बनाई होगी तो ये वाइट कलर का तो मेरे को नहीं लग रहा, फिटबिट ही है। अच्छा, आपको फिटबिट लगता है ये? हाँ फिटबिट लग रहा है ईयर कौन सा लगता है आपको? यार। अभी रिसेंटली होगा 2017-18 में, क्योंकि ऐसे बैंड्स तो 17, 18, 19? 17-18-19। 17, 18, 19 लेना चाहोगे कि 16, 17, 18? 17-18-19, 16 में तो नहीं। तो आपको एक पॉइंट मिलता है क्योंकि ये जो है ये गैलेक्सी फिट अच्छा है, गैलेक्सी फिट, सैमसंग का गैलेक्सी फिट ई 2019 में लॉन्च हुआ था। अच्छा चलो, इसके बाद मैं आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग भेजता हूँ। भेजो भेजो। ये फोन को आप इजीली पता लगा लोगे, हाँ लेकिन एग्जैक्ट मॉडल आप नहीं बता पाओगे मेरे को ऐसा लगता है, और एग्जैक्ट ईयर नहीं बता पाओगे आप। कौन सा फोन है अभी? चलो, ये देखो आपके स्क्रीन पे फोन आ गया अरे ये तो देखने से तो पता चल गया आईफोन ही है। है। बिल्कुल सही जवाब, आईफोन ही है। आईफोन में ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था इतना पता है मेरे को, क्योंकि अच्छा, हाँ ये आईफोन, ये फर्स्ट आईफोन है, फर्स्ट आईफोन है लॉन्च हुआ था। ओके, ईयर बताइए। और आईफोन नहीं, आईफोन नहीं है, नहीं, आईफोन नहीं है? आईफोन आईफोन है, दिखा आईफोन है ना? आईफोन ही है। हाँ, आईफोन ये तो कंफर्म है ना? कंफर्म है कंफर्म है, हाँ, तो अभी ईयर बता दीजिए। कि आईपॉड तो हो नहीं सकता, आईपॉड रहता तो वहां 3G कनेक्शन भी नहीं आता, क्योंकि उसमें सिम तो डल था। अरे बाप रे, इतना गौर से देख रहे हो आप। तो आईफोन ही है, आईफोन आईफोन कौन सा मॉडल और कौन सा ईयर? आईफोन 3G होगा, 3G या 3S, 3GS। 3G या 3S, दोनों में से एक है। आईफोन में, आईफोन 3 में दो ही मॉडल थे, एक था आईफोन 3 और एक था आईफोन 3GS। अच्छा वो भी नहीं पता है। जी और एस एक साथ थे, नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे, खाली 3 या 3GS? ये iPhone 3G, 3GS है चलो ठीक है, ईयर बता दो। ये होगा, ये अभी 2020 में आया है। 2020 में तो आपके लिए 12 लाएंगे हम। iPhone 3GS आया था 2000 में तो भूल ही जाओ, 2000 2000 2005-2006 में, आई थिंक 2005-2006-2007। एक पॉइंट आपको मिलता है, 2009 में आया था ये फोन, इसका नाम है आईफोन 3GS। यार थोड़ा ईयर में थोड़ा वो हो रहा है। आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपका भाई बैठा तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो किसी भी एक फोन के लिए। अच्छा फोन अ फ्रेंड भी है, फोन अ भाई, फोन अ ब्रदर, फोन अ ब्रदर। ब्रदर ठीक है। अब एक ना यूनिक स्मार्टफोन आपको भेज रहा हूँ, हाँ भेजो। देखने में आप फोन आपको एकदम भ्रमित कर सकता है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है ये रहा नेक्स्ट फोन आपके स्क्रीन पे। अच्छा, ये तो मेरे को तो अब उल्टी आएगी इसमें तो। मिक्स है इसमें, सब मिक्स है। एक तो इसमें एक तो फिंगरप्रिंट, वो क्या बोलते हैं, आपको एक बात बता दूं, मैं सरप्राइज वाली बात बताऊं, सरप्राइज वाली, वो हाँ बताइए। बीच में ना वो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, खाली अच्छा बटन समझ गया, वो तो मेरे को पता था, मेरे को स्क्रीन देख के पता चल गया। है। स्क्रीन में आप देख यूजर स्क्रीन में इंटरफेस, देख रहे यूजर हो, हाँ इंटरफेस, एंड्रॉइड दिख रहा हाँ यूजर इंटरफेस एंड्रॉइड है, स्टॉक एंड्रॉइड है। है। कौन सा फोन होगा, कुछ आइडिया लगा पाओगे आप? उस एक मिनट, उसमें तो आइकन आइकन साला एप्पल वाला दे दिया है, तो चूतिया बन जाए सब लोग, हम लोग। और कुछ स्क्रीन वगैरह इसमें हिंट देता हूं क्योंकि क्या है, बहुत मुश्किल है इसको गैस करना। ऐसे टाइप के ना अल्काटेल वगैरह बनाती थी कंपनी। ये फोन जो है ये भारत में सबसे कम अमाउंट में लॉन्च हुआ था, और इस फोन के चलते फ्रॉड भी हुआ था। अच्छा ये Freedom 251। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही जवाब, आपका एक पॉइंट मिलता है। अब आपको ईयर गैस करना है इस फोन का। इसका ईयर साला कब, मैं कॉलेज में था,
मैं फर्स्ट ईयर के कॉलेज में था तब तब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उन लोग ने मंगाया था। तो फर्स्ट ईयर मेरा कब था, लगभग 2014, रुक जा एक मिनट, 2016, 15th ईयर। क्या बात क्या बात, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि मेरे को याद है 2 पॉइंट मिलते हैं आपको कि ये एकदम अच्छे से याद है, मेरा फ्रेंड भी मंगाया था बट वो आया नहीं, अच्छा तो बेचारा गाली दे रहा कहाँ से आएगा भाई, पैसा लेके भाग गया 250 रुपए। था। और बाहर भी ये मैं वर्ल्ड में भी लॉन्च आपको, हुआ था, $4 का फोन बोल, हाँ, 4 डॉलर्स में हुआ था, 4 डॉलर्स में फोर हुआ था, डॉलर का बोलते थे। हाँ हाँ 4 डॉलर्स में हुआ था, और इंडिया में 251 रुपीज में हुआ था। वही अब आपको एक अल्ट्रा लीजेंड फोन भेजता हूँ मैं, अल्ट्रा लीजेंड, अल्ट्रा लीजेंड मतलब ये फोन को इंडिया में लोग बाहुबली फोन बोलते हैं। आप इसको गैस तो कर लोगे, लेकिन देखते हैं। ठीक है, भेजो। भेज दिया अच्छा, ये तो देखने से ही पता चल गया कि किसी को मारोगे तो जाएगा वो डायरेक्ट बताइए फोन का नाम, नोकिया नोकिया, बिल्कुल सही मॉडल नंबर, मॉडल नंबर, इसमें इसमें नंबर बहुत फेमस फोन है, मॉडल नंबर के बिना पॉइंट नहीं मिलेगा आपको वो फेमस तो फोन है पर मॉडल नंबर याद नहीं रहते ना भाई। नोकिया के सारे एक से लेकर 2000 3000 तक सब बना दिए, मतलब 22 30 23 जो मन में लगा बनाते जाते थे उन लोग। अच्छा सीरीज ऐसा ही था ना नोकिया का, कुछ भी अपने मन से करते थे, 22 10 23 10। क्या है अपने, हाँ, तो आपको कौन सा लगता है ये वाला? ये वाला मेरे को लगता है वो स्नेक वाला था ना, स्नेक तो स्नेक वाला ही। बट वाला अब 22, ये 22 10 22 कुछ था, सीरीज ऐसी थी। अब मेरे को पीछे का आंकड़ा याद नहीं है, बहुत काफी करीब हो, काफी करीब हो आप। 22 30 कुछ था क्या, नहीं, आपने 22 70 ऐसा कुछ, 33 10, नोकिया 33 10। 33 10। ये क्या है, ऐसे अच्छा आप ईयर बता दीजिए, मॉडल नंबर याद नहीं रहते थे। वो बहुत पुराना हो गया ना, अपने जमाने का भी नहीं है। ये फेमस था भले बट मेरे को वैसे भी याद नहीं रहते मॉडल नंबर उसके। यार आप ईयर बता दीजिए। इसका तो 30 10 वही 2005 6, नहीं, 2005 6 नहीं भाई, इतना नहीं होगा, 1990s में होगा ये तो। 1990 में तो 9 साल आते, 10 साल आते हैं। 1990s मतलब वही 1998 1999 के आजू बाजू मेरे ख्याल से, जब लोग पैदा हुए थे तब, 1999, 1999 2000 या 2001 ऐसा कुछ। बिल्कुल सही जवाब इसका ईयर है 2000। 2000 और कुछ ऐसे ही था, काफी, मतलब क्योंकि आपको तो बहुत नॉलेज है फोन के बारे में, ऐसा लग रहा है देखने से। बहुत पुराना फोन है ना ये, ओ बहुत पुराना फोन है। इससे इसके बाद भी इसके वर्जन्स आ गए थे 3310 के बहुत सारे, अभी तो आया 2019 में नया वर्जन आया उसके बीच में भी एक बार बीच में भी कोई आया था इसका ही वर्जन था ये, तो 3310 है। पुराना अच्छा वाला है बहुत। आपको क्या ना, मस्त नया फोन भेजता हूँ, उस फोन के बारे में आपको बता दूं कि वो फोन के आप है ना डिजाइन पे मत जाइएगा, वो फोन एंड्रॉयड फोन है। अच्छा आपको बताना है कि वो फोन का नाम क्या है। ओके, ये स्क्रीन पे आ गया, ये तो फोल्डेबल है, फोल्डेबल वाला है सैमसंग, तो आइकन से सैमसंग ही लग रहा है। अच्छा, आइकन से सैमसंग लग रहा है, काफी एकदम बारीकी से देख रहे हैं। हाँ आइकन से सैमसंग लग रहा है। अब गैलेक्सी फोल्ड ही होगा। गैलेक्सी फोल्ड, हाँ काफी करीब हो, कुछ ऐड करना चाहोगे? गैलेक्सी फोल्ड एक्टिव, ना, फोन का नाम है गैलेक्सी फोल्डर 2। फोल्डर, ओके। गैलेक्सी फोल्डर है, फोल्ड से जो है इसको नाम फोल्डर दे दिए हैं लोग। आपको बताना है कि इस फोन का जो ईयर है वो क्या है। यार इसका होगा 2005, 2006,
14 15 16 14 to 16 के अराउंड 2000। 14 टू 16 के अराउंड। बिल्कुल गलत जवाब, अच्छा क्या है, 2018। 2018 क्या हुआ था, सैमसंग ने टच स्क्रीन वाले फोन लॉन्च करने के बाद ये फोल्डर फोन को वापस लॉन्च किया, फोल्डर टू को, अच्छा क्योंकि बहुत जन की डिमांड थी कि हमको भी अब बटन भी चाहिए, टच स्क्रीन भी चाहिए। अच्छा समझ गया। तो आपको ये दोनों मतलब आपने गलत बताया, कोई बात नहीं, लेकिन काफी हद तक सही भी बताया दूसरे फोन्स। हाँ हाँ ठीक है। अब ये ऐसा फोन है जिसमें पहला ऐसा कैमरा था जो आगे पीछे रोटेट हो सकता है। कौन सा? जो दूसरा दूसरा फोन मैं आपको भेज रहा हूँ ठीक है। वो फोन का पहला ऐसा कंपनी था जो ऐसा कैमरा बनाया था कि आगे पीछे रोटेट हो सकता है। ये तो कि पीछे रोटेट हो सकता है, ये तो माइक्रो। दिख रहा है ना आपको, रोटेट तो हो सकता है क्योंकि उसमें वो ढांचा जो है उसका टूटा हुआ है। हाँ, समझ गया। हाँ ये तो है चाइना का ही लग रहा है कोई। नहीं वो चाइना का फोटो, लेकिन फोन इंडिया में भी लॉन्च हुआ था। खाली आप कंपनी बता दीजिए, मॉडल नंबर बताने की जरूरत नहीं है आपको। अभी जस्ट लॉन्च हुआ था तो ये तो वो है, क्या बोलते हैं, अरे यार दिमाग में था अभी, माइक्रोमैक्स नहीं, एमआई का ही था, नहीं एमआई नहीं था, अरे यार ये कंपनी याद नहीं आती ना, बहुत सारी कंपनियां आ गई है, बहुत सारी कंपनियां, सही बात अरे मोटोरोला तो नहीं है। है, कुछ हिंट दो, हिंट। अरे वो हिंट मत दे, रुक रुक रुक, सर्च मत मारना नेट में। इस एसर नहीं, आसूस आसूस, गलत जवाब, गलत जवाब। अरे वो रोटेट रोटेट वाला कोई, उसका मॉडल नंबर मेरे को याद नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट है ना, नहीं, आसूस ही गलत जवाब है। गलत है। ये फोन जो है ये है ओप्पो N1। अच्छा ऋतिक रोशन इसकी ऐड करता था, पता हो तो। क्या करता ऋतिक रोशन इसकी ऐड करता था, ऐड। था? अच्छा अब तो अभी इतना याद नहीं है मेरे को, कोई बात नहीं, ईयर बता दीजिए। ईयर है 2000, इसमें तो ये वॉलपेपर 2013 का है तो वही हो। मतलब सही एकदम, मतलब बारीकी से फोन को देख रहे हो, इतना सटीक आंसर 2013 इज द राइट आंसर, 1 पॉइंट। डेट भी बता दे, 25/9/2013 क्या बात, क्या बात। मैंने मतलब एक सोचा ही नहीं था कि आप मैंने तो सोचा नहीं था कि आप बता दोगे देख के। डिग्री भी बता देते ना, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस था उस टाइम ओके चलो ये जो है ये लास्ट फोन है, भेज ये फोन मैं क्या ही बोलूँ, अभी भेज ही देता हूँ आपको, दे भेज दे। ये भेज दिया लो, देख लो। तो मिक्स मिक्स तो दिख गया यहाँ पर, नहीं गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैंने क्या इसको मेन तो मिक्स तो आपको दिख गया, लेकिन मेन है कि ईयर क्या है। यार ये है एमआई मिक्स का, ये एमआई मिक्स है ना, बिल्कुल सही है, एमआई का ही फोन है, डायोमी का ही फोन है ये। ईयर साला, ये तो क्या निकाले थे कि नहीं निकाले थे एमआई वाले, वैसे ही है ना, कभी कब निकाल देते ऐसा कौन पता ही नहीं चलता। ये सोचो कि ये फोन में जो है आगे पीछे दोनों जगह डिस्प्ले है। अरे हाँ ये तो पता है, 2019 में ही निकला था ये, एक साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। 2019 में, हम्म, 2019 इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट फिर से ले गए आप। ओके काफी सही खेल रहे हो। अभी तो क्वेश्चन जो है आज के लिए खत्म हो गए। ओके ठीक है, एक मैंने स्पेशल आपके लिए ढूंढा है, ओके ठीक मैं आपको भेजता हूँ, आप रुकिएगा। है ठीक है, भेजिए। एक फोटो मैंने अभी भेजा है, ये कुछ है ना हटके है आपके लिए। आपको ये बताना है कि ये जो मैंने आपको भेजा है ऊपर जो फोटो लोड हो जाए। अभी तक आई नहीं है, ओके, 1 मिनट, फोटो आ रही है। ओके गेम कैसा लगा आपको? गेम एक नंबर है, मजा आ गई आज मजा आई ना? एकदम, मजा आ गई। आई है, फोटो आ गया। ये तो अपना वाइस सिटी, बिल्कुल सही जवाब, वाई सिटी। आपको ईयर बताना है इसका, वाइस सिटी का ईयर,
YCD कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, अंदाजा बता दो। इसमें 2010 है, 2010। 2010। गलत जवाब। आप ये बोल सकते हो कि 2010 में हमने खेला था। अब हम लोग को तो पता है, मेरे को तो पता नहीं है खेलने से मतलब था। ये 2002 में ही आ चुका था। 2002 में, बहुत पहले के गेम है भाई। बहुत पहले की बहुत पुरानी गेम है, लेकिन खाली फॉरेन में चलती थी ना ये गेम तब, क्योंकि यहाँ के कंप्यूटर उतने सपोर्टिव ही नहीं थे इतना अच्छा ग्राफिक्स था उस टाइम पे, उस टाइम पे। फॉरेन में सब कुछ था, इंडिया में नहीं था। इंडिया में नहीं था। इंडिया में घर 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 कंप्यूटर नहीं थे, खाली बड़े लोग के पास, मिलियनर लोग के पास ही कंप्यूटर थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। आप आए हमारे चैनल में, आपका खूब खूब धन्यवाद। अरे आपका भी बहुत आभार कि ऐसे ऐसे गेम खिलाते रहिएगा, क्या एंटरटेनमेंट होता रहे हम लोग का भी। बिल्कुल, अगर कोई भी इसको देख रहा है और चाहता है कि उसके वो भी आए यहाँ पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कुछ। हाँ कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिए। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। ओके चलो। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपका क्या सोचना है। अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ इमेजेस नए लाने चाहिए, कौन सा ऐसा फोन है जो लोगों को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।